Hadi Gold, an Islamic record label. सामीन गिरामी जो दोस्त पीछे बैठे हैं, बच्चे आगे हैं, कोई दो चार दस बंदे समझदार आगे आ जाए, क्योंकि बाबा जी का बयान है, नाथखानी है, चट्ठा साहब का बयान है, ऐसे लोगों को सुनने के लिए, समझने के लिए बादशाह लोगों का आगे होना जरूरी होता है। कोई दस बारह बंदे आगे आ जाए, बच्चे थोड़े से पीछे चले जाए। बेटा आप उठोगे, साइड पर चले जाओ, इधर मेरे पास आ जाओ, इधर आ जाओ, उठना, अच्छे बच्चे इधर आ जाए, शाबाश, बहुत अच्छे बच्चे आप। अच्छे बच्चे वही होते हैं जो बड़ों की बात मानते हैं, बहुत अच्छे बच्चे हैं। आप थोड़ा सा आगे आ जाए, मेहरबानी फरमाएं, थोड़ा थोड़ा आगे आ जाए, यहाँ पर आगे तशरीफ ले, अगली सब जो कुछ नहीं होगा, अल्लाह खैर कर सकते ही कह रहा है, इंशाल्लाह खैर हो। हमने लंबा सफर किया है आप लोगों के लिए, आप मेहरबानी फरमाइएगा, बहुत शुक्रिया। महफिल का एक माहौल जो हमें नसीब होना चाहिए, अल्लाह हमें वो अता करे। मैं दुआगो हूँ अजीम मुहिब मदीना, अजीम आशिक रसूल, जिनकी जारी जिंदगी में ख्वाहिश थी कि हुजूर का जिक्र सजाया जाए, अपने घर को दुल्हन की तरह सजाया जाए, हुजूर के मेहमानों को बुलाया जाए, लेकिन जिंदगी ने इतनी मोहलत ना दी। लेकिन उनकी सोच और उनकी फिक्र को उनके बच्चों ने उनके जाने के बाद अधूरा नहीं छोड़ा। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र सजा रखा है। बरादर मुकर्रम मोहतरम चौधरी एहसानुल्लाह तूर साहब, चौधरी अब्दुल कय्यूम तूर साहब, चौधरी मोहम्मद अब्दुल्ला तूर साहब, चौधरी नसरुल्लाह तूर साहब, ये उनके चार शहजादे हैं, नबी के चार यारों का सदका, सुभान अल्लाह। इन्होंने हुजूर का जिक्र सजाया है अपने बाबा के साले सबब के लिए। बाकी इनके जो अजीज करब हैं, मोहतरम रहमतुल्लाह तूर साहब, हाफिज अफरुल्ला तूर साहब, फुरकान तूर साहब, अब्दुलसलाम तूर साहब और शकील गुजर साहब, अल्लाह ताला की पाक बारगाह में दुआ, अल्लाह ताला सब की इस कोशिश को और साई को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। क्योंकि अचानक ही आज एक और ऐसा सिलसिला आपके सामने है कि गांव में इनके अजीज रिश्तेदारों की एक फौतगी हुई है। मोहतरम हाजी चौधरी अब्दुल अजीज तूर साहब मरहूम मकबूल, तो कुछ लोग जनाजा 7 बजे होगा उनका, बल्कि जनाजा हो गया होगा, अब आप जनाजा पढ़ने के बाद तशरीफ ले आएंगे, अल्लाह ताला उनके भी दर्जात में बुलंदी अता फरमाए। और जो हजरात बाहर खड़े हैं उनसे मेरी मोतबाना गुजारिश होगी वो अंदर तशरीफ ले आए। मुझे आज की महफिल के लिए इंतहाई हमारे मोहसिन और जीनतुल हुफाज जीनतुल उलमा हजरत अल्लामा मौलाना साहबजादा सैयद मोहम्मद उवैस साहब जाफरी दामन बरकातुहु गुदसिया, आपका हुक्मनामा मौसूल हुआ, मैं हाजिर खिदमत हुआ। शादी के पीछे नमाज मगरिब अदा की तो मुझे मदीना याद आ गया। क्या बात है, ऊपर से अभी जनाब जीनतुल कुर्रा कारी हाफिज मोहम्मद तैयब मुजद्दिदी साहब दामत बरकात कुर्सिया से तिलावत सुनी तो मजीद सुरूर नसीब हुआ। मेरी दुआ है अल्लाह ताला की पाक बारगाह में अल्लाह हमारी आने वाली नस्लों को भी 5 वक्त का नमाजी बनाए, कुरान का कारी बनाए, दीन मतीन का खादम बनाए, सहाबा पाक का अदब एहतराम अता फरमाए, अहले बैत तहार की मुअद्दत अता फरमाए, अताते खुदावंदी में हमें जिंदगी गुजारने का मौका नसीब हो जाए, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और हजूर के मिशन को जारी रखने की मालिक तौफीक अता फरमाए।